ये देखें आप, इस बेचारे की दोनों ही टांगे माजूर हैं, इस साइड पे निकल गई, ये पता नहीं क्या वजह बनी है क्या नहीं। हाँ दिलबर कौन है भाई यार, काफी देर से कोई नोक कर रहे हैं, मैं ऊपर दाना खाने के लिए। कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। मकबूल भाई आए हुए यार, सबर कर लेते होते, बेल पे हाथ रखा हुआ है। कब से दरवाजा यार वो कुछ नजर आ रहा है, क्या लेके आए? ये सरप्राइज लेके आया हूं। क्या सरप्राइज? इतनी धूप है, गर्मी देखो, 5 मिनट हो गए मुझे इधर खड़े को। अच्छा सॉरी यार, मैं ऊपर था यार, दाना पानी कर रहा था। मैंने आपके लिए वो क्या है, दिखाओ तो सही। यार दिखाता हूँ, वेट तो करो ना। कितना वेट करूँ मैं? 5 मिनट हो गए बाहर खड़ा हूँ यार, मुझे नहीं पता चला। दोस्तों मैं ऊपर दाना पानी कर रहा था सारे परिंदों को, क्योंकि गर्मी गैस से यार वो नजर तो आ रहा है। ऊपर जाके दिखाऊंगा फिर, ऊपर जाके, ऊपर केज में जाके। चिड़िया है? चिड़िया नहीं, नहीं मैं इधर से नहीं, देख लेता हूँ। नहीं ऐसे नहीं दिखाऊंगा। हाँ ऊपर जाके दिखाऊंगा यार। मकसूद भाई मान ही रहे, कह रहे जितना वेट तुमने हमें करवाया है ना, अब सब्र करो, जो सरप्राइज है ना ऊपर जाके दिखाएंगे। आज मकसूद भाई चलें, ऊपर दिखा दोगे पक्का? क्या क्या हो मैं देख लूंगा। नहीं 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 आप चलो पहले, मैं जाऊं ऊपर। हाँ यार मकसूद भाई तो बड़े तेज है यार, कह रहे आप पहले ऊपर जाओ, मैं आ रहा हूँ। चलो दोस्तों ऊपर चलते हैं जाके। मकसूद भाई ना कोई चीज लेके आए हैं, वो दिखा ही नहीं रहे, मैं वो नीचे इतनी मिनते की है, दिखाओ अब तो दिखाओ, आपने कहा था ऊपर आके दिखाऊंगा। इसको नहीं दिखानी, एक मिनट यार दोनों को। यार मकसूद भाई ने वादा किया था कि ऊपर जाके दिखाता हूँ, मुझे कि चिड़िया लग रही। माशाल्लाह ये देखें, ये कहाँ से ले आए मकसूद भाई? ये आपके लिए सरप्राइज है। ये सरप्राइज लेके आए मेरे लिए यार, माशाल्लाह यार दोस्तों बहुत ही प्यारा कॉकटेल। ये हैंड टेम है, हाथ लगा लो, काटेगा तो नहीं? पकड़ो पकड़ो आप, ये देखो। ये मुझे नहीं लग रहा है हैंड टेम, आपसे धोखा कर लिया उसने। नहीं यार वही है यार, पकड़ो फिर, पकड़ो आप, पकड़ो ले लो। मैं क्यों पकड़ूं, मैं काट लेगा। आप कह रहे हैं आप खुद चेक कर लो ना, एक बार चेक कर लो फिर आपको पता चल जाए। ये हाथ ही नहीं आ रहा। ओ भाई ये धोखा हो गया आपके साथ, हैंड टेम कोई चीज लेके आया हूँ तो अब कॉकटेल पैरेट है और इसने तो काट ही कर लिया यार, ये धोखा हो गया मकसूद भाई आपके यार साथ। इसने धोखा कर दिया हमारे साथ यार, वो कितना प्यारा है, क्यूट है माशाल्लाह। चलो इसको ना फिर उधर आजाद कर देते हैं ना हमारे बाकी पैरेट्स के साथ, इसको इधर इस पैर पोर्शन में छोड़ दिया बजेज कॉलोनी में। चलो आ रहे थे बजेज कॉलोनी में यार, क्योंकि यार इधर ना उधर ओपन है, बाकी भी इसके दो भाई हैं उधर वाइट वाले, इसी बहाने हम ना अपने सारे बजीज से भी मिल लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सारे ठीक है, वो इसके बहन भाई व्हाइट वाले बैठे हुए। खोलो आप करे हैंड टेम है तो काटता है भाई, मैं नहीं पकड़ता इसको, छोड़ो भाई। निकलो भाई आज आजाद हो तुम आज के बाद। पता नहीं बेचारा कब से, देखना केज में बंद होगा आज के बाद, ये इधर ओपन इधर आओ तो सही यार, ये हैंड टेम नहीं है मकसूद भाई। क्या हो गया? हो जाएगा सेटअप, एक दो घंटा लगेगा। बजीज भी सारे ठीक है, तुम्हारा न्यू मेहमान भी आ गया है, ये तुम्हारा आज के बाद घर है, तुमने इधर ही रहना है। अब ये मेल है या फीमेल है, क्या चीज है ये? तो मुझे भी नहीं, आप ले आए हो? चलो जो भी है यार, मुझे तो मेल लग रहा है, फीमेल इसके साथ की लेके आएंगे दोस्तों, और इसके साथ छोड़ देंगे। व्हाइट वाला भी हमारा इधर जोड़ा है, और इधर ये हमारा ग्रे कॉकटेल है, बहुत ही प्यारा मकसूद भाई, थैंक यू सो मच। और यार इधर जो हमारी डव ने अंडे दे दिए हुए थे ना, वो चेक कर लेते हैं उनमें से बच्चे निकले के नहीं। मकसूद भाई आ जाओ यार, बच्चे चेक करते हैं यार। यार डव उड़ के उधर चली गई है, ये पता नहीं इसकी माँ या बाप है, वो बहुत क्यूट है यार, और ये अली के मुंह के जैसे हैं यार, छोटे छोटे माशाल्लाह। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डव ने दोनों बच्चे निकाले हुए हैं, दोनों ही हेल्दी और एक्टिव है। ये एक कांटे लगे हैं इसके ऊपर? नहीं नहीं ये पर है। अच्छा एक वाइट है और एक ये रेड है, वो माँ उसकी परेशान हो गई दोस्तों कि मेरे बच्चे कहाँ गए। ये लो कितनी फिक्र है उसको। और एक दोस्त इधर भी, इसका एक अंडा था, तुम्हारा बच्चा निकला या नहीं यार? तुम्हारा बच्चा क्यों नहीं निकला? मुझे तो इसका अंडा खराब लग रहा है, इसका अंडा खराब है दोस्तों, ये देखना ये जाया कर दिया से भाई आपने। ये खराब था, कितने दिन हो गए, जाओ उठ जाओ जाके आज करो जाओ। चलो और तुमने कुछ किया कि नहीं, रौनक लगा दो यार हमारे मास्टर केज में। यार इसके भी दोनों अंडे खराब है यार, ये आप तो जाया कर रहे हो आसिफ भाई। चलो बड़े रहने देते हैं, एक दो दिन देख लो। नहीं बच्चे बनने होते बन जाते, नजर आ रहे हैं नहीं है, बस सिर्फ उसी के दो बच्चे हैं, बाकी किसी के नहीं है। तो आपको मैं एक चीज दिखानी है, ये वाला जो हमारा कबूतर है ना रेसर, इसको क्यों बंद किया? मैं बताता हूँ मकसूद भाई आपको, एक मिनट यार, इन्होंने जो बच्चे दो निकाले थे ना इनकी, ये पकड़ना मकसूद भाई, ये हमारे एक जंगली और रेसर का, इसकी ना दोनों टांगे मैंने बांधी हुई हैं, क्योंकि दोनों टांगे दोस्तों ऐसे हो गई थी, अगर ये ना बांधता तो ये लंगड़े हो जाते।
ये देखो मैंने बांधी हुई है दोनों टांगे, वो ये, लेकिन ये ना खतरा है यार, काट के ना सही करते हैं, ठीक है इसको काट दे। ये दोनों टांगे ऐसे खुल गई थी, ये फिर मैंने रस्सी के साथ बांधी हुई है, लेकिन आज ठीक है खोल देते हैं रस्सी। अगर ये ऐसा ना करते दोस्तों, आपको दिखाते हैं, एक बच्चा नीचे जो इधर निकला हुआ है ना ट्रंक के नीचे, उसकी टांगे दोनों ही ऐसे खुली हुई हैं, वो मुझे नजर ही नहीं आया, वो तो मैंने कल देखा है उस बेचारे की, अब तो बड़ा सारा हो गया, टांगे बांध भी नहीं सकते। इनकी अल्लाह करे ठीक हो जाए, आप सबने दुआ कर ली। मैं जो बच्चे की बात कर रहा हूँ ना दोस्तों, वो बच्चा इधर है जिसकी दोनों बेचारे की टांगे खराब है। मुक्सु भाई यार हाथ दे, निकालना इधर, वो बैठा हुआ, वो देखो मजदूर हो गया बेचारा यार, तो मैंने देखा ही नहीं यार, इसकी तो टांगे वाकई इस तरह। हाँ ये देखो यार दोस्तों, ये देखें आप, इस बेचारे की दोनों ही टांगे मजदूर हैं, इस साइड पे निकल गई, ये पता नहीं क्या वजह बनी है क्या नहीं, तो ऐसे ही उन्हें बच्चों की हुई पड़ी थी, उनको तो मैंने दोस्तों वो लगा दी है, रस्सी बांधी है, ये बड़ा होकर ठीक हो जाएगा। नहीं ये दोनों टांगे ऐसे, बहुत गलत, ये दोनों टांगे बेचारे की ऐसी निकल गई हैं यार, क्या हो गया इस बेचारे को, मैंने कल देखा दोस्तों, अगर मुझे टाइम से पता चल जाता तो मैं इसकी टांगे भी बांध देता, अब तो नहीं बांध सकते, बहुत सख्त हो गई अब तो, है ना, बच्चा होता तभी सही हो जाती। यार ये वो बच्चे, ये लड़ रहे हैं सारे बच्चे ना, जो वॉशरूम में नहीं बच्चे हमारे असील, वो सारे ये एक पत्नी लड़ क्यों रहे हैं आपस में, फिर मैंने इसको इधर ही दाना पानी डाला, जख्मी है ये भी, इसको मैंने हल्दी लगाई थी ना कल, अब तो कुछ बेहतर है, कल तो ऐसे मरने वाला हो गया था दोस्तों, इतना लड़ा था ना बाकी अपने बहन भाइयों से, तो इसलिए मैंने इसको अलहदा कर दिया था। जैसा कि ये वाले, ये भी आपको पता कितना ज़्यादा जख्मी हो गया था, ये भी अलहमदिल्ला ठीक हो गया, और वो भी कितना जख्मी था वो भी ठीक हो गया, ये भी कितना जख्मी था, इसका भी सब तो अभी चोट है, ये भी ठीक हो गया, तो जो जो लड़ता रहता है मैं उसको अलग करता हूँ, जब तक इनका इत्तेफाक है ये इकट्ठे रहते हैं। काफ़ी दिन हो गया हमारे रैबिट मट हाउस सूना सूना पड़ा हुआ है, इधर कोई चिक्स ही नहीं आ रहे, कोई बच्चे ही नहीं आ रहे, मुझसे भाई चेक करो यार, कोई बच्चे शच्चे निकले कि नहीं यार, गर्मी बहुत है आसिफ भाई, गर्मी तो बहुत ज़्यादा दोस्तों, आप सूरज देखें कितना गर्म और तपिश, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, अरे सुबह सुबह का टाइम है अभी, 7-8 बजे का टाइम है, और आप गर्मी देखें कितनी ज़्यादा हो रही है, सारे हमारे परिंदे बेचारे परेशान हुए अपने गर्मी की वजह से, और रैबिट मड हाउस भी हमारा सोना पड़ा हुआ है, पता नहीं सांप से डर गए हमारे ब्रीडर पेयर, जो कोई वो जो आई थी खतरनाक जानवर है ना, जो बड़ी वाली थी है ना, दोबारा बच्चे निकाल ही नहीं रहे, कल चेक करेंगे यार शायद निकले हों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और हमारे चैनल बुखारी पेट हाउस को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे कल, अभी के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और यार गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, आपकी तरफ क्या सूरत हाल है लाजमी बताइएगा।